प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अगली न्यूज की तरफ बल्कि अगली वीडियो की तरफ। कमजोर नहीं है और अल्लाह के फजलों करम से अल्लाह पर यकीन रखते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बॉर्डर पे जा रहा हूं और सियालकोट के बॉर्डर पे जाके मैं तमाम हिंदू मार दूंगा और इंशाल्लाह जितने मैं मुसलमानों मैं दफा कर सकते हैं। ये हमारी पाक पत्र, हमारी धरती है, हम अपनी धरती का दफा करना जानते हैं अल्लाह के फजल करम से। मैं आपको बता दूं, हिंदुओं अपना अपना सोच लो कि मैं तुम लोगों को निश्चित नबूद मिला दूंगा। इंशाल्लाह जज्बा होना चाहिए, हम एक एक बंदा, हमारा पाकिस्तानी 22 करोड़ की आवाम अल्लाह के फजल करम से उनके तमाम बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। ये मत समझना कि हम 22 करोड़ की आवाम है और 1.5 अरब की है, तो अल्लाह के फजल करम से हमारे एक एक बंदे 72 हिंदू मारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के साथ। ये मत समझना कि हम लोग नहीं करेंगे और मैं इंशाल्लाह अकेले दिखूंगा, अकेले दिखूंगा। जी मुझे यकीन है कि इन सांप को गुद्दू बंदर पहुंचा दिया हुआ है। पाकिस्तान में गुद्दू बंदर में जी सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, इसलिए मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इनको गुद्दू बंदर पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बात है, जिस तरह की वीडियो ये बना रहे हैं, तो वो देखकर तो मुझे यही लगता है कि इनको वहां ही पहुंचा देना चाहिए और कहीं जाने के ये काबिल नहीं है। पर इस किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी जी, पंजाब में एक इलाका है, वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च बना रही है और मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि जी हम चर्च बना रहे हैं और चर्च पे जो है जब क्रॉस लगाने की बारी आई तो वहां के मुसलमान आ गए और उन्होंने कहा जी ये तो आप लगा ही क्यों नहीं सकते। उन्होंने कहा जी ये क्यों नहीं लगा सकते हम। उन्होंने कहा क्योंकि जी ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ पर आपने चर्च शौचालय बना लिया है लेकिन ये है कि आप उसमें क्रॉस नहीं लगा सकते। तो वो ये कह रहे थे कि आप ये बताइए कि क्रॉस के बगैर चर्च कंप्लीट कैसे होगा। तो अब उन लोगों ने कहा होगा कि यकीनन कि ये तो हमारे सोचने की बात नहीं है, ये तो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन हाँ चर्च में आप जो है क्रॉस नहीं लगा सकते। ये हाल है यहाँ पर इन लोगों का। ऊपर से ये चले थे साहब एक बंदूक उठाकर और निकल पड़े और कहा कि जी मैं